हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमने दो मेथड पढ़ लिया है, एक हमने पढ़ लिया नेचुरल मेथड और दूसरा हमने पढ़ा है डायरी मेथड। तीसरा है हमारे पास आईयूडी, जिसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं में आपको इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लिखा हुआ मिल सकता है, तो आईयूसीडीएस बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जैसा कि नाम से कन्फर्म है कि इस तरह के डिवाइसेस को हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। कहाँ इम्प्लांट कर देते हैं? यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं यूट्राइन के। तो यूट्राइन कैविटी में इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन आईओडी है, ये आपका सेकंड जनरेशन हो जाएगा और ये आपका थर्ड जनरेशन आईओडी। तो फर्स्ट जनरेशन आईओडी में जो हम यूज करते हैं, जो जब हमारे पास इतनी मेडिकल असिस्टेड टेक्निक नहीं थी, इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं थे, तो उस दौरान जब सबसे पहले यूज किया जाता था वो नॉन मेडिकेटेड आईओडी, इसमें किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता था। इसका एग्जांपल है लिपेज, एक मेटल से बना हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसको पहले फीमेल यूट्राइन कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया, और ये जब तक मेटेलिक रिंग यहाँ पे पड़ा रहता था तब तक यूट्रस का जो टिश्यू है, यूट्राइन टिश्यू है, इसको फॉरेन एजेंट समझ के इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता था। तो बार बार यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता था और वहाँ पे फॉरेन के एजेंट समझ करके इसको यूट्रस ये जो लेयर है यहाँ पे WBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था फैगोसाइटोसिस करने के लिए, तो ये यूट्रस की कंडीशन को अनसुटेबल बना देता था इम्प्लांटेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। मेनली आईओडी का काम क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कंडीशन का फॉर्मेशन करती है यूट्रस के अंदर, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। जिससे क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। तो पहला फर्स्ट जनरेशन आईओडी था नॉन मेडिकेटेड, इसमें किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता था। तो इसे इसमें मेटल से बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता था, इस मेटल में मेनली हम कॉपर यूज करते थे, यूज करते थे कॉपर। फिर सेकंड जनरेशन आईओडी है, ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी, ये कॉपर रिलीज करते हैं। कॉपर का काम क्या होता है, कॉपर जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और यूट्राइन टिश्यू के सर्विक्स का नेचर जो है वो चेंज कर देते हैं, सॉरी यूट्राइन टिश्यू के द्वारा जो रिलीज किया जाता है म्यूकस, उसके नेचर को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस के अंदर का एटमोसफियर होता है वो अनसुटेबल हो जाता है, जिससे चाइल्ड इम्प्लांट नहीं होने पाता। इसमें कॉपर रिलीजिंग आईओडी में है कॉपर डी है, कॉपर सेवन है और मल्टीलोड 75 है। इसमें जैसे कॉपर डी जो है, कॉपर टी को क्या होता है, एक टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेटल से बना हुआ टी लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और इसका थ्रेड विजाइनल कैविटी के थ्रू बाहर तक निकला हुआ होता है। तो फीमेल जब भी चाहे तो इसको चेक कर सकती है कि ये जो भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो प्रॉपरली पोजिशन है या नहीं है, सही जगह पे है या नहीं है। तो जब तक थ्रेड रहेगा दैट मीन्स ये कॉपर डी जो है वो सही प्लेस पर प्रेजेंट है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान ये स्लफ अवे हो जाता है, ये भी बाहर चला जाता है। तो मेनली ये टी लाइन स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर फंसा हुआ रहता है, ये यहाँ पे कॉपर रिलीज करता है। कॉपर का मेन फंक्शन होता है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, इस पर नॉन मोटाइल हो जाता है, लेस मोटाइल हो जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर WBC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और म्यूकस का डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जैसे यहाँ की लेयर जो होती है इंटरनल वो स्लिपरी हो जाती है और वहाँ से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं कर पाता है। तो इसमें है कॉपर टी है, कॉपर सेवन है और मल्टीलोड 375, ये एक नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तीसरा है हमारे पास हार्मोनल आईओडी, जो हार्मोन रिलीज करते हैं मेनली, इसमें इसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन आईओडी। तो मोस्ट एडवांस जो है वो यही है, इसमें आता है LNG20 और प्रोजेस्टास्टर्ट, इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो जैसे प्रोजेस्टास्टर्ट में क्या आता है, प्रोजेस्टास्टर्ट में प्रोजेस्टास्टर्ट जो होते हैं ये बेसिकली जो है वो मेडिकेटेड आईओडी होते हैं, यानी हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस।
Another effective and popular method is used the use of the intrauterine devices. इनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है. These devices are inserted by the doctors or expert nurses in the uterus through the vagina. Vaginal cavity के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है. किसके द्वारा? कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सेस के द्वारा. आगे These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUD. जिसमें मेडिसिन का यूज नहीं होता. एग्जाम्पल लिपेज लूप. अगला है कॉपर रिलीजिंग आईओडी. इसमें आते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी प्रोजेस्टासर्ट एंड एलएनजी 20. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं. तो स्पर्म को फैगोसाइटाइज होता है. यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी फॉरेन बॉडी की सेल समझ के उसको क्या करेगा? इंगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा. विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. अंडरलाइन करिएगा, कॉपर आयन और स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, मतलब इसके मूव करने की क्षमता हटा देता है. एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी नष्ट कर देता है. एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन होती है, ये मेनली यूट्रस के कंडीशन को क्या करती है? अनसुटेबल कर देती है, हार्मोनल इम्बेलेंस क्रिएट करके, एंड मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म. मतलब सर्विक्स के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा स्पर्म क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, होस्टाइल इंगल्फ कर लिए जाते हैं. Intrauterine devices are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy and or space the children. तो intrauterine devices ऐसी females के लिए है जो लंबे समय तक या बोल सकते हैं कि जो है contraception को delay करना चाहती हैं या अपने बच्चे के बीच में gap रखना चाहती हैं. इन यूजली children के बीच में, child के बीच में 3 से 5 साल का gap रखना चाहती हैं. 3 to 5 ईयर का गैप नॉर्मली होना चाहिए. आगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन द इंडिया. इंडिया में फीमेल्स के द्वारा यूज किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये एक मोस्ट पॉपुलर है और वाइडली एक्सेप्टेड है, ज्यादातर उपयोग में लाया जाता है. अगला देखेंगे, अब ये इंट्रायूटराइन डिवाइसेस होगी. अब हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. इसमें 21 टैबलेट्स होते हैं. जो भी फीमेल इसको स्टार्ट करना चाहती है तो उसको इन बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन यानी जो ब्लीडिंग फेज होता है उसी दौरान इसको इनिशिएट करना होता है, शुरू करना होता है और रेगुलरली 1 टैबलेट्स खाना होता है. इसके पीछे
में सही नंबरिंग की गई होती है। तो रेगुलरली वन टेबलेट खाना होता है। फिर अगर मान लीजिए कि फर्स्ट डे आपका ब्लीडिंग फेज से ही स्टार्ट करती है तो लगातार 21 दिन तक खाना पड़ेगा, फिर 7 दिन के इंटरवल के बाद फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से इसको रिपीट करना होगा जब तक ये वो फीमेल जो है प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है। तो इन जनरली जो होता है ये जो फिल्म होती है इसमें 21 टेबलेट्स आते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 28 टेबलेट्स आते हैं। लास्ट की जो 7 टेबलेट्स होती हैं वो आयरन पिल्स। एक्चुअली होता क्या है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के द्वारा ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि रेगुलरली एक खाना है वो भी 7 दिन का फिर इंटरवल हो जाएगा तो उसके बीच में भूल जाएंगे, तो इससे बेहतर ये है कि 21 टेबलेट्स का ही फिल्म हो, रेगुलरली बिना गैप किए हुए खाना है। तो ये आयरन पिल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करते हैं। इसी में लखनऊ के CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ओरल पिल्स डेवलप की जिसको सहेली बोलते हैं। सहेली या ये मार्केट में मेरी सहेली के नाम से आता है, सहेली या मेरी सहेली। द फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दैट वर डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया था। बाकी सारी जो पिल्स आती हैं उसमें स्टेरॉयड का यूज किया जाता है, स्टेरॉयडल पिल्स होती हैं। ये पहली नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप की गई जिसको लखनऊ ने डेवलप किया, लखनऊ CDRI में डेवलप किया गया। सहेली या मेरी सहेली के नाम से मार्केट में आता है। इट हैज टू बी टेकन वंस अ वीक, इसको हफ्ते में एक लेना होता है, तो इसको हम वीकली पिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीकली पिल बोलते हैं। इसको हम वीकली पिल बोलते हैं, तो इसको हफ्ते में एक ही लेना। इसके अलावा कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में इमरजेंसी पिल्स आते हैं। इमरजेंसी पिल्स का यूज जो है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से या किसी फीमेल ने कोई इंट्रायूटराइन डिवाइस यूज किया था और उसका फेलियर हो गया, तो उस केस में या किसी फीमेल के साथ कोई सेक्सुअल क्राइम अटेम्प्ट हुआ है यानी रेप हुआ है, उस कंडीशन में वो उस चाइल्ड को नहीं चाहती है, तो उस केस में इमरजेंसी पिल का यूज किया जाता है विद इन 72 आवर अंडर द 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, बिना किसी प्रोटेक्शन के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया होता है उसके 72 घंटे के अंदर इसको लेना होता है। तो इसमें कई सारी मार्केट में पिल्स आती हैं जैसे आई पिल आता है या अनवांटेड 72 आवर। तो ये जैसा कि नाम से ही कंफर्म है इनको इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं, बट देयर एफिशिएंसी इज मोर विद इन द 24 आवर, तो 24 घंटे के अंदर अगर ले लें तो इनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। 72 घंटे तक ये इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि 72 आवर अगर इसके अंदर आपने ले लिया है तो इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। या फिर एक कंडीशन और है कि वो फीमेल जो है 72 घंटे के अंदर ही IUD लगवा ले, इंट्रायूटराइन डिवाइस इम्प्लांट करवा ले, तो भी उस कंडीशन में वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी पिल के तौर पर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर IUD का भी यूज किया जा सकता है, बट अगर उसको 72 घंटे के अंदर इम्प्लांट कराया जाए तो आइए देखते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स, फीमेल्स के द्वारा जो भी मिलाया जाता है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, इनको टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो टैबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पिल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले 5 दिन। तो 3 से 5 दिन तो ब्लीडिंग फेज ही होता है, मतलब इस पिल्स को स्टार्ट करना होता है ब्लीडिंग फेज से और लगातार 21 दिन तक इसका यूज करना होता है फीमेल को। नेक्स्ट देखिए, after a gap
सेवन डे दैट इज ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अगर, फिर 7 दिन के बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर ब्लीडिंग फेज आएगा, फिर से इसको स्टार्ट करना होगा। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डे ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अगर इट हैज टू बी टेक टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। जब तक वो फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती है तब तक उसको इस टेबलेट का यूज लगातार करते रहना। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन अंडरलाइन कर, ये मेंस्ट्रुएशन को नहीं बंद करती, ये एक टेबलेट जो होती है वो सिर्फ ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती है, यानी एग रिलीज नहीं होता है, बाकी साइकिल जो है वो नॉर्मली चलती है, सिर्फ उसमें ओव्यूलेशन नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नॉन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो अगर यूट्राइन कैविटी से म्यूकस ज्यादा डिस्चार्ज होगा तो स्पर्म जो है वह सेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, थिक म्यूकस की वजह से, तो यूट्रस की कंडीशन अनसुटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए और स्पर्म को असेंड करने के लिए। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। तो ये इनकी इफिशियंसी जो है वो अच्छी है, इनका साइड इफेक्ट जो है कम है लेकिन है, साइड इफेक्ट कम है लेकिन है। आगे देखिए सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स द नॉन स्टीरॉयडल, अंडरलाइन कर लीजिएगा नॉन स्टीरॉयडल, क्वेश्चन में पूछा ही जाता है डायरेक्टली नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बताइए। तो नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन एंड इट इज वंस अ वीक, वंस अ वीक लिखा हुआ है यहां, वहां लिख लीजिएगा वीकली पिल, वीकली पिल के नाम से भी जाना जाता है। वंस अ वीक पिल विथ अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड अ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही कम है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। अगला देखिए प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय द फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसके अलावा जो है कहीं नोट करना चाहिए और नोट कर लीजिएगा, ये इसी पैटर्न की बोली होती है मालाडी है मालाया, ठीक है, मालाडी जो है वो कॉमर्शलाइज किया जाता है, अवेलेबल होता है, पहले म्यूजिया पोस्टर जो है कई सारे विलेज या रूरल एरिया में आप देखते होंगे तो पोस्टर बड़े बड़े बनाए गए होते हैं मालाडी जो होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, काफ़ी लो बजट पिल है, लगभग जो पुराने एडवर्टीजमेंट है उसमें लिखा होता है 2 रुपये में 28 बोली ओनली 2 रुपीज़। और ये माला है जो है ये गवर्नमेंट सप्लाई होती है, ये हॉस्पिटल्स में फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो मालाडी और मालायन की जो प्रिपरेशन है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मार्केट में मिलती है। लास्ट वाला तो एक साथ देख लीजिएगा, इंजेक्टेबल्स बोलते हैं या इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, ठीक है, इंजेक्शन या इम्प्लांट, जैसे कई सारे इंजेक्शन्स आते हैं या इम्प्लांट आते हैं, इम्प्लांट को इसके टर्म इसके नीचे लगा दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। जो फीमेल लंबे समय के लिए प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं या गैप ज़्यादा रखना चाहती हैं उसके लिए ये होता है, जैसे कुछ इंजेक्शन्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि इंजेक्शन आता है बी गैप, ये 6 मंथ तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है 6 महीने। इम्प्लांट में नॉर्थ प्लांट आता है, नॉर्थ प्लांट का एग्जाम्पल होता है फ्रीडम फाइव जो होता है वो 5 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है 5 साल। अभी मार्केट में जो है फ्रीडम 10 दिया गया 10 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। इसमें पतली पतली हार्मोनल स्टिक्स होती है, एनसीईआरटी में आपकी फोटो बना हुआ ऐसे ही हाल करते हैं,
ये हार्मोनल स्टिक्स होती हैं, इनको इंजेक्शन के थ्रू स्किन डर्मिस के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये वहीं पर पड़ी रहती हैं और ये हार्मोनल हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और नॉन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नॉन प्लांट जैसे फ्रीडम 5 पाँच साल के लिए, फ्रीडम 10 नया आया है मार्केट में, 10 साल के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। और कई सारे इंजेक्शन आते हैं जो 3 महीने 6 महीने 12 महीने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा ड्यूरेशन चाहिए कि उतने दौरान फीमेल कंसीव नहीं करना चाहती है तो इन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, इम्प्लांट जो होगा उसको स्किन के नीचे लगा दिया जाएगा। Their mode of action is similar to that of pills and their effective period are much longer. ये pills के जैसे ही काम करती हैं, जैसे उसमें भी आपने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में यूज किया था, ये भी उसी कॉम्बिनेशन बट इनकी इफिशियंसी और ड्यूरेशन जो होता है वो काफी लंबा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन द 72 आवर ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए या फिर आईयूडी लगा लिया जाए 72 घंटे के अंदर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर, तो इसको माना गया है कि ये वेरी इफेक्टिव पाई गई है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर कि उस प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने। एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, चाहे सेक्सुअल क्राइम हुआ हो या कोई फीमेल जो है बैरियर मेथड या किसी भी मेथड का यूज कर रही थी और वो फेल हो गया है, फिर भी वो चाइल्ड को नहीं चाहती है तो वो इस तरह के किसी मेथड का उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, ये इसको हम बोलते हैं टर्मिनल मेथड, सर्जिकल मेथड या टर्मिनल मेथड लास्ट उपाय होता है। तो इसमें देखिएगा बट इसकी रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर है, बहुत ही खराब है। अगर कोई जो है
कब दोबारा से चाहें कि इसको रिवर्स कर लें, पहले के जैसा कर लें, तो नहीं कर सकते। तो अब एक नया प्रोसीजर आया है ट्यूबल लिगेसी का। ट्यूबल लिगेसी में क्या करते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और उस ब्लॉकेज को जब भी हटवाना चाहें तो दोबारा से हटवा सकते हैं। तो इस मेथड के द्वारा रिवर्सिबिलिटी अटेन कर सकते हैं दोबारा, लेकिन कट करके टाइट कर लेंगे तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता है। बट उसके अलावा भी कई सारे मेथड हैं जिनको अपनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, उनमें से किसी का यूज किया जा सकता है। बट ऐसा अगर चांस है कि फ्यूचर में कभी बच्चे की जरूरत होगी तो ट्यूबल लेंगे से बेस्ट, ठीक है। वैसे कमी या ट्यूबल कमी पहले देखें। सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड द मेल आर फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द कैविटी ट्रांसफर एंड देयर बाई द प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। तो ये क्या करता है, सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाता है, मतलब कट करके इसको बांध देते हैं, तो इस वजह से गैमेट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो जब गैमेट का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजर नहीं होगा। सर्जिकल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड द वैसेक्टॉमी एंड दैट इन द फीमेल इज द ट्यूबेक्टॉमी। इन वैसेक्टॉमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसर्जन ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटल साइड में छोटा सा ऑपरेट करके वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया। एक साइड का दिखाया है, दोनों साइड का ब्लॉक करिएगा, दोनों फेलोपियन ट्यूब या दोनों वास डिफरेंस को कट करके टाइट करिएगा। Whereas in the tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through the small incision in the abdomen or through the vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. देखिए, इस मेथड के द्वारा कोई कपल्स चाहे, उसकी मर्जी होती है कि वो चाइल्ड आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, बच्चे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ना कि गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया जा सके। एक साल हुआ था पहले, पुरानी सरकार थी कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, तो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड निकाला था, लोगों का स्टरलाइजेशन बिना उनके अवेयरनेस के। हॉस्पिटल में गए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, हॉस्पिटल में गए, अपेंडिक्स हुआ था तो पता चला बाद में कि वैसे कम ही नहीं हो गया था। अब ये पता नहीं कि शादी हुई है कि नहीं, किसी फीमेल को कोई दिक्कत हुई ऑपरेट कराने गई कुछ और, तो साथ में ट्यूबेक्टॉमी भी कर दिए लगे। तो ऐसे कई सारे पर्सन की वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी कर दी गई बिना उनके नॉलेज, उनसे हम पता तो कर लेते शादी हुए हैं बच्चे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इस तरह का कोई डिसीजन या इस तरह के मेथड का यूज जो है, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, इट नीड्स टू एम्फसाइज दैट सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसिडरेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। हमेशा इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो इसकी सलाह जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से लेना चाहिए, मतलब अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर से लेना चाहिए, ना कि झोला छाप से। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of the reproductive health. ऐसा नहीं है कि ये contraceptive methods जो हैं वो person को reproductively healthy बनाए रखेंगे। इसको जरूरी नहीं है कि इसको regular use में लाया जाए। जैसे oral contraceptive pills ही हैं या emergency contraceptive pills हैं,
तो अगर कोई फीमेल लेती है, तो अगर मान लीजिए कि ये यूट्रस का साइड है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो अगर कई बार जो है चाइल्ड अबॉर्ट करा दिया जाता है, तो उस केस में दिक्कत क्या होती है, या इन पिल्स को लेने की वजह से दिक्कत क्या होती है? अगर जो इम्प्लांट हुआ था ये यहाँ पे यूट्राइन टिश्यू को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, क्या करेगा, डैमेज कर देगा। अब ये यूट्राइन टिश्यू की फाइब्रोसिस हो जाती है, क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस। अब यहाँ से चाइल्ड का अटैचमेंट या एम्ब्रियो का अटैचमेंट नहीं हो सकता, यहाँ से नहीं हो सकता, यहाँ से जुड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे भी डैमेज हो गया है यूट्राइन टिश्यू, तो फिर यहाँ से भी नहीं, तो धीरे धीरे यूट्राइन टिश्यू क्या होता है, डैमेज हो जाता है। या फिर बार बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने से या बहुत ज़्यादा यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस देखे गए हैं या ट्यूमर के चांसेस देखे गए हैं जो फीमेल में क्रिएट करता है। तो आगे देखिए, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन आर प्रेगनेंसी, सॉरी प्रेगनेंसी, ये कॉन्सेप्शन आर प्रेगनेंसी। तो ये सारे मेथड जो है वो कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। वन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू द पर्सनल रीजन। जैसे इसके लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है, वो सेल्फ जो है वो इस तरह का केस जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है कि उस पर्सन की मर्जी है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, इस तरह के मेथड का उपयोग करना चाहता है या नहीं करना चाहता। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चेकिंग द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं कि इस बात में कोई शंका नहीं है कि इन सारे मेथड्स का उपयोग जो है जो करते हैं इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, बट पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये मेथड का उपयोग में लाया जाना सही नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी बनाएंगे, क्योंकि मेडिसिन या दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग क्या करेगा, उनको उसके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देगा ना, और कई सारे इल इफेक्ट भी उसके दिखाई देंगे, साइड इफेक्ट भी दिखाई देंगे आगे। However, the possible ill effect like nausea, इसके ill effect क्या क्या है, nausea मतलब बिजली आना, उल्टी से पहले वाली बिजली, abdominal pain हो सकता है, breath throughout the bleeding हो सकता है, मतलब बिना रुके bleeding phase जो है continue हो सकता है, irregular menstrual bleeding हो सकती है, इसको menstrual cramp, मेट्रेजिया का मतलब होता है मेस्ट्रुएशन इन बिटवीन द साइकिल, मेस्ट्रुएशन इन बिटवीन द साइकिल। इन यूजुअली जो है हर एक 28 दिन के रेगुलर इंटरवल पर ब्लीडिंग फेज अपीयर होता है, लेकिन बाई चांस अगर हार्मोनल इनबैलेंस हो गया है तो कभी 12 दिन 15 दिन या 18 दिन पे ही ब्लीडिंग फेज दोबारा से अपीयर हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द मेट्रेजिया। और इवन ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है, that is the most common cancer in female all over the world, in India cervical cancer, all over the most common cancer all over the world in the male oral lung cancer, oral in India टोबैको चिविंग, यही वाले ईयर ब्रेस्ट कैंसर एंड थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। तो कह रहे हैं इसके इल इफेक्ट को हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसके कई सारे इल इफेक्ट हैं, ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है, नोसिया कॉज कर सकता है, एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकता है, कई सारे इल इफेक्ट हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी।
देखिएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यह कहलाता है अबॉर्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मतलब कोई जान बूझ करके अगर चाइल्ड को अबॉर्ट करा रहा है, दैट इज़ नोन एज़ द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो इसके लिए कई सारे रीजन चाहिए होते हैं, जैसे जैसे इंडिया ने क्या किया है, इसको चेक करने के लिए एक MTP एक्ट लाया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, लेकिन ये नियम बनाया गया था 1971, बट ये इम्प्लीमेंट हुआ जाकर के 2017। स्ट्रिक्टली जो है ये 2017 में लागू हो पाया, 1971 जो है वो पैराग्राफ में दिया गया है, 2017 जो है लेफ्ट कॉलम में येलो वाला जो कॉलम है उसमें लिखा गया है ऊपर, इसीलिए है ही नहीं किसी में नहीं, इधर जो है उधर है, वही येलो वाला कॉलम तीसरा वाला नहीं, ठीक है। MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसके लिए हुआ क्या, मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए कई सारे लीगल रीजन चाहिए होते हैं, तभी चाइल्ड को अबॉर्ट कराया जा सकता है। इनयूजली होता क्या था, लोग फीमेल फिटिसाइज कर देते थे, फीमेल फिटिसाइज को बढ़ावा देते थे, अगर लोग गलत तरीके से एमनियोसेंटेसिस का यूज करते थे, जैसे चाइल्ड के सेक्स का पता लगा लेते थे या अल्ट्रासोनोग्राफी ही कर लेते हैं, तो उसमें चौथे महीने में पता चल जाता है चाइल्ड मेल है या फीमेल, तो इसका मिसयूज करके लोग फीमेल चाइल्ड को फिटिसाइज कर देते थे, मतलब अवॉर्ड करवा देते, तो इससे मेल फीमेल का रेशियो जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल अपनाया और इसके लिए एक नियम बनाया कि अगर कोई भी क्लिनिक या डॉक्टर से इस तरह का मतलब सेक्स डिटरमाइन करते हुए पाया जाता है, तो एक तो क्लिनिक बंद हो जाएगी, साथ में उसका मेडिकल लाइसेंस जो है वो जब्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेडिकल प्रैक्टिस कभी कर नहीं सकता, 1,00,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल की जेल। इसकी वजह से जो है फीमेल फिटिसिन जो है वो घटा समय के साथ। तो एक येलो कलर का कॉलम है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, मतलब इसके लिए नियम जो है 2017 वाज इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इनएक्टेड मतलब इसके शुरुआत बनाया तो 1971 में ही गया, लेकिन इसके शुरुआत स्ट्रिक्टली कब हुई, 2017 में जाकर, विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन। जो लोग इलीगली चाइल्ड अबॉर्ट करा देते थे बिना किसी रीजन के अपने पर्सनल फायदे के लिए, ऐसे लोगों पर रोक लगा, इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब उस चाइल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को घटाने के लिए। कई बार चाइल्ड को अबॉर्ट कराने की वजह से मदर में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन अ सर्टेन कंसीडरेशन ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर 12 हफ्तों के अंदर किसी बच्चे को अबॉर्ट कराया जाता है तो उसके लिए किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, मतलब किसी एक डॉक्टर की सलाह पे कराया जा सकता है 12 हफ्तों के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये अबॉर्शन के लिए सेफ माना जाता है, ठीक है, कि इसमें जो मदर है वो सेफ रहेगी, चाइल्ड को तो कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसी को तो अबॉर्ट कर। If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, मतलब 3 महीने से ज़्यादा हो गया है लेकिन 6 महीने से कम है, इसके बीच में 12 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है 24 हफ्तों से कम है, 2 registered medical practitioner must be of the opinion fought in the good faith, ठीक है, तो 2 medical practitioner की जरूरत होती है, ठीक है, और वो भी ऐसे जो ब्लैक लिस्टेड ना हो, ऐसा नहीं कि कई सारे डॉक्टर साहब लोग जो है अपने ही नौकरी से बर्खास्त चल रहे हैं, कई बार गलत इलाज कर रहे हैं। ऑफ गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, मतलब उसके पीछे सही रीजन बताएं जो एग्जिस्ट करता है, जो है द
द ग्राउंड फॉर द सच डिटरमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर, क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए, क्या बेसिस होना चाहिए, किस कंडीशन में चाइल्ड को अबॉर्ट कराया जा सकता है, उसके लिए भी नियम है। देखिएगा, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और द ग्रेव इंजरी, फिजिकल इंजरी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की वजह से उस प्रेग्नेंट फीमेल को कोई खतरा हो, उसकी जान को कोई खतरा हो, तो उस केस में या ग्रेव इंजरी हो गई हो, चाइल्ड को कोई इंजरी हो गई हो, जर्क लग गया, चोट लग गया हो, डैमेज हो गया हो, तो उस केस में उस चाइल्ड को क्या किया जा सकता है, अबॉर्ट कराया जा सकता है। दूसरा, देयर इज अ सबस्टेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम द सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। अगर जो बच्चे जन्म लेगा उसको कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, मतलब विकलांग हो, ठीक है, या फिर मेंटली चैलेंज हो, दिमाग का विकास सही से ना हो रहा हो, टू बी सीरियस सीरियसली हैंडीकैप, या फिर क्या हो, सीरियसली हैंडीकैप, तो उस केस में उस चाइल्ड को क्या किया जा सकता है, अवॉर्ड कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कराया जा सकता। तो ये नियम या कानून बनाया गया है स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कि इस मेडिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे ही चाइल्ड को अवॉर्ड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में बाकी हम तक पढ़ेंगे, एम टी पी है, इसके बाद एस टी डी एस डिजीज है।